हाय स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, उसका ये सेवंथ पार्ट है, यानी कि सातवां वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इससे पहले का वीडियो में हमने देखा था जो ब्राजील का फिजियोग्राफी है, उसमें हमने द हाईलैंड के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में हम दी ग्रेट स्कार्पमेंट और दी कोस्ट, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो ये आपका ब्राजील है। मैं इतने पार्ट में वीडियो क्यों बना रहा हूं, पहले आप इसको समझ लो। आपका एक भी लाइन, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई जो है अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाए, इसलिए सारे वीडियो जरूर देखिए। और उन स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगा जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और वीडियो को काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका ब्राजील का मैप है, यहाँ पे देखते हैं दी ग्रेट स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट होता क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए, तब आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको समझिए। ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ टेक्स्ट बुक का ही लिखा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्कार्पमेंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखो एक लैंड है, इसका हाइट है 1000 मीटर, और एक लैंड है जिसका हाइट है 500 मीटर। हाइट यानी ऊंचाई, अल्टीट्यूड। तो यहां से यहां पे एक ढलान बनती है, इसी ढलान को हम लोग क्या कहते हैं, स्कार्पमेंट कहते हैं। कोई जब ढलान होती है, लैंड जो होती है उसका ढलान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कार्पमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ब्राजील में यहाँ पे क्या है, हाईलैंड्स है, जिसका अल्टीट्यूड यानी कि जो एक माउंटेन टाइप है, यहाँ पे एक प्लेटूज है जिसका अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई जो है कितना है, 1000 मीटर से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ढलान देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द स्कार्पमेंट। क्लियर हो? आइए समझते हैं। दो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन द क्लाइमेट मेक इट सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। यहाँ पे क्या बता रहा है, जो स्कार्पमेंट है, ये जो ढलान होता है ब्राजील में, बहुत स्मॉल एरिया है, बहुत छोटा एरिया। ढलान कितना रहेगा, एक लैंड है, यहाँ पे एक लैंड है तो इतना ही रहेगा ना। तो स्कार्पमेंट जो होता है एक अलग फिजियोग्राफी बनाता है ब्राजील में, इसीलिए इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। कैसे अलग बनाता है हम समझते हैं इसको। द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज द डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द स्कार्पमेंट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हाईलैंड है, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पे हाईलैंड है तो यहाँ की इसकी अल्टीट्यूड है, ऊंचाई है। तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ यानी इस वाले पार्ट में, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ से लेके ए वाले पूरे पार्ट में, ए वाले पार्ट में क्या आता है, आपका स्कार्पमेंट आता है, यानी कि ढलान लैंड आता है। क्लियर हुआ? ए वाले पार्ट में, समझ में आ गया। In this region, the altitude of escarpment is 790 meter. यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका हाईलैंड है, हाईलैंड के बाद क्या आता है, आपका escarpment आता है, यानी कि ऐसा ढलान आता है। तो उसका altitude, escarpment का altitude कितना है, 790 meter है इस वाले प्लेस पे। समझ में आ गया, जहाँ पे आपका ग्रेट हाईलैंड है उसके बाद ढलान स्टार्ट होता है, तो वहां पे उसका altitude यानी कि ऊंचाई कितना है, 790 meter है। In some reason the height decreases gradually. अभी होता क्या है, यहाँ पे altitude कितना है मान लेते हैं, 790 है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका altitude जैसे आप नीचे उतरते जाओगे altitude कम होता जाएगा। कोई ढलान है, आप किसी माउंटेन पे गए हो तो जब नीचे उतरोगे तो क्या होएगा बताइए ना, altitude यानी कि उसका हाइट जो ऊंचाई है धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे जहाँ पे हाईलैंड जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे उसका हाइट कितना होता है, एल्टीट्यूड 790 मीटर होता है। धीरे धीरे इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेस यानी कि हाइट जो होता है एल्टीट्यूड कम होता जाता है। कैसे, ग्रेजुअली यानी कि कंटिन्यूअसली हाइट कम होता जाता है। द स्कार्पमेंट इज ए वेरी स्टीप पार्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टो अलिग्रे। यहाँ पे देखिए स्कार्पमेंट, यहाँ से हाईलैंड का जो ढलान है यहाँ से स्टार्ट होता है, और जब यहाँ साओ पाउलो से लेके पोर्टो अलिग्रे तक, यहाँ से लेके क्या होता है, ढलान धीरे धीरे कम होता जाता है, बहुत स्टीप है, बहुत ज्यादा ढलान है, और यहाँ पे आने के बाद एंड हो जाता है, यानी कि स्कार्पमेंट यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ?
यहां से साओ पाउलो से लेके पोर्टो अलिग्रे तक क्या होता है, स्टीप है। स्टीप यानी कि ज्यादा ढलान है, और पोर्टो अलिग्रे आते आते ढलान जो है एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस एस्कार्पमेंट एक्ट एज द बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गिविंग रेस टू द रैनसेडो एरिया इन दी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, जो हाईलैंड है, सॉरी, जो यहाँ पे आपका इस्कार्पमेंट है, यहाँ पे हाईलैंड है और यहाँ पे इस्कार्पमेंट है, तो कुछ विंड्स आती हैं। कौन सी विंड आती हैं? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सा होगा? ये साउथ, नीचे वाला पार्ट साउथ हो गया, और ए ईस्ट। यहाँ जो साउथ ईस्ट की जो विंड्स हैं, यानी कि जो हवाएं हैं, इसको आने के बाद यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, यहाँ पे हाइट है, तो हवाएं आके ये विंड्स जो होती हैं यहाँ से टकरा जाती हैं, यहाँ पे आने के बाद रुक जाती हैं, बैरियर होता है। समझ में आ गया? रेस टू रेन सैडो, अभी क्या होती है, जब यहाँ पे जो हवाएं आती हैं, ट्रेड यूनियन यानी कि वो हवाएं जो बारिश कराती हैं, जब आके यहाँ से ढलान से आपके जो स्कार्पमेंट है उसे टक्कर होता है, तो क्या होता है, हवाएं आके यहीं पे रुक जाती हैं। कहाँ पे? ए वाले प्लेस में। तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए, रेन सैडो एरिया नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड। अभी नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? ए वाला नॉर्थ है और ए वाला ईस्ट है, यानी कि ए वाले पार्ट में। ए वाले पार्ट में क्या होता है, जब हवाएं आती हैं तो हाईलैंड से यानी इस्कार्पमेंट से टकरा जाती हैं, यानी जो ढलान है, एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड के यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मान लेते हैं माउंटेन है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ढलान, इस्कार्पमेंट। तो जो हवाएं आती हैं यहाँ से आके सीधा टकरा जाती हैं, और जब टक्कर हो जाता है तो हवाएं क्या होती हैं, इस वाले जगह पे आके होल्ड हो जाती है, यानी कि रुक जाती हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, द रीजन टू नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड द ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। अभी इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इस वाले पार्ट में हवाएं आके रुक जाती हैं, वहां पे बादल छाए रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं, लेकिन वहां पे बारिश नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। कौन से प्लेस में? इस वाले प्लेस में। तो इस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हुआ? ये था आपका ग्रेट इस्कार्पमेंट। अब देखते हैं हम कोस्ट। अभी हम ब्राजील का कोस्ट, कोस्ट होता क्या है, यहां से लेके यहां तक देखिए ए वाले पार्ट को, यानी कि जो समुन्दर का किनारा होता है या नदी का किनारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। तो ब्राजील का कोस्ट यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे आके एंड होता है, यानी कि ए वाले पार्ट में क्या होता है, पानी ही पानी है ब्राजील का। कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। क्लियर हुआ? इस वाले हम पार्ट को क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। अभी यहां पे देखिए, ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक, ये ब्राजील का कोस्ट लाइन है, तो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, 7,400 किलोमीटर ब्राजील के पास क्या है, कोस्टल लाइन है। क्लियर हुआ? वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट, नेमली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। अब ये जो कोस्ट लाइन है ब्राजील का, वो टू पार्ट में डिवाइड है, पहला जो है नॉर्दर्न कोस्ट और दूसरा जो है ईस्टर्न कोस्ट। है तो पूरा यहां से लेके यहां तक जो कोस्ट है, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा, ये ऊपर वाले पार्ट को उन्होंने क्या नाम रखा है, नॉर्दर्न कोस्ट, और उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट को ईस्टर्न कोस्ट कहा जाता है। आगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दी नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन दी नॉर्थ टू रियो ग्रांडे डो नॉर्टे इन दी ईस्ट। अभी जो नॉर्दर्न कोस्ट है कहां से कहां तक है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे अमापा है, अमापा क्या है, आपका स्टेट है ब्राजील का। यहां से कोस्ट स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न कोस्ट, यहाँ पे है रियो ग्रांडे डो नॉर्टे। यहाँ पे आने के बाद यहां से लेके यहां तक इस वाले पार्ट में, यहाँ पे देखिए, यहां से लेके यहां तक इस वाले पार्ट को, इस वाले एरिया को हम लोग कौन सा कोस्ट कहते हैं, नॉर्थ कोस्ट कहते हैं। नॉर्थ कोस्ट स्टार्ट कहां से होता है, अमापा प्रोविंस से स्टार्ट होता है, और एंड कहां पे होता है, रियो ग्रांडे डो नॉर्टे में जाके एंड हो जाता है। इसको, इस वाले कोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ कोस्ट कहते हैं। क्लियर हुआ? दिस कैन बी कॉल्ड एज दी नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट। इसका एक नाम और है, नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट। नॉर्थ एटलांटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एटलांटिक ओशन है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ कहा जाता है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो गया है,
नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी कहा जाता है। इस वाले पार्ट को याद रखना, नॉर्थ कोस्ट भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी कहा जाता है। वाले पार्ट को कहां से स्टार्ट होता है, अमापा से लेके रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक। क्लियर हुआ? फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड टुवर्ड द साउथ। उसके बाद यहां से लेके रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से लेके इस वाले प्लेस से लेके यहां तक, ए वाले प्लेस तक। इसके बाद अपना क्या स्टार्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट स्टार्ट होता है। याद रखो जो ब्राजील का कोस्टल लाइन है वो टू पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्थ में और एक ईस्ट में। क्लियर हुआ? दी नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर इंक्लूडिंग एमेजॉन। अभी बात करें नॉर्दर्न की, ए वाले कोस्ट को नॉर्थ कोस्ट कहते हैं। नॉर्थ कोस्ट में क्या होता है, बहुत सारे रिवर फ्लो होते हैं। सबसे बड़ी रिवर कौन सा है, एमेजॉन रिवर है। क्लियर हुआ? एमेजॉन रिवर के साथ, इसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं, यानी हेल्पिंग रिवर होते हैं। तो बहुत सारे रिवर आके यहाँ पे एंड होते हैं, यानी कि अटलांटिक ओशन में उसका वाटर जाता है। तो यहां पे फिर से इसको समझो आप, दी नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर इंक्लूडिंग दी अमेजोन। मतलब नॉर्दर्न कोस्ट में बहुत सारे रिवर क्या होता है, अपना पानी जाके नॉर्दर्न कोस्ट में अपना पानी डिस्चार्ज करते हैं, यानी वहां पे जाके छोड़ते हैं। देयरफॉर दिस रीजन इज लो लेइंग रीजन। लो लेइंग क्या होता है, यहां पे अमेजोन रिवर में लो लेइंग एरिया होता है, यानी कि जो लैंड होता है, लैंड का जो एल्टीट्यूड होता है वो बहुत हाइट नहीं होता है, प्लेन होता है। मतलब उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो ऊपर नहीं होता, लो लेइंग एरिया होता है, यानी नीचे का लैंड होता है। क्लियर हुआ? ऑन दिस कोस्ट लाई द मराजो आइलैंड। अगर हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट में, तो यहाँ पे देखो ए वाला, ये जो है मराजो आइलैंड भी मिलता है देखने के लिए। कौन सा मराजो आइलैंड, कहाँ पे है, नॉर्थ कोस्टल प्लेन, सॉरी नॉर्थ कोस्टल, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट में है। क्लियर हुआ? कौन सा है, मराजो, ये देख रहे हो ना ग्रीन कलर का, देखो ये है मराजो आइलैंड। मराजो एंड साओ मार्कोस बेस, यहाँ पे दो बे, जैसे कि इंडिया में बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, ऐसे यहाँ पे दो बेस मिलते हैं देखने के लिए। एक कौन सा है, यहाँ पे देखोगे तो एक है मराजो बे और दूसरा कौन सा है, साओ मार्कोस बे। साओ मार्कोस बे यहाँ पे है और मराजो बे यहाँ पे है, और इसके ऊपर जो है मराजो आइलैंड है। कहाँ पे है, नॉर्थ में है, नॉर्थ कोस्टल में है। क्लियर हुआ? मराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन दी माउथ ऑफ रिवर एमेजोन एंड रिवर टोकेंटिन्स। यहाँ पे देखो जो मराजो आइलैंड है, ये दो रिवर के माउथ पे सिचुएटेड है। माउथ यानी कि और रिवर जहां पे पानी अपना डिस्चार्ज करती हैं। अमेजोन का पानी कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और एक टोकेंटिन्स रिवर है, इसका भी पानी कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है। होता क्या है, एक लैंड है, जब दो वाटर फ्लो होते हैं तो यहाँ पे लैंड क्या होता है, कट जाता है, जमीन जो होता है कट जाता है। तो उसके बाद जो एक लैंड फॉर्म क्रिएट होता है उसको हम लोग आईलैंड कहते हैं। आईलैंड के चारों तरफ पानी होता है। तो दो रिवर जो है उसका माउथ है मराजो आईलैंड, कौन सा, अमेजोन रिवर का और तो कैंटीन्स का। क्लियर हुआ? ठीक है। द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट मतलब यहां से लेके यहां तक। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। अभी हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे रिवर्स हैं जो छोटे छोटे रिवर यहाँ पे इसके तरफ फ्लो होते हैं, किसके तरफ, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। क्लियर हुआ? The only river which meets Atlantic Ocean here is the São Francisco. यहाँ पे जो बड़ी रिवर है जिसका पानी किधर जाता है, Atlantic Ocean में जाता है। सबसे बड़ी रिवर जो ईस्टर्न कोस्ट का कौन सा है, São Francisco है। यहाँ से देख रहे हैं ना ये वाला, ये São Francisco है, इसका पानी कहाँ पे जाता है, Atlantic में जाता है, Atlantic Ocean में जाता है। The Brazilian कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाई अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बीचेस देखने को मिलेंगे इस वाले पर्टिकुलर प्लेस में। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेस देखने को मिलेगा और आइलैंड, और यहाँ पे आपको बीचेस देखने को मिलेंगे ईस्टर्न कोस्ट में। क्लियर हुआ? एंड दी सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस। सैंड ड्यून क्या होता है, यहाँ पे आपको रेत देखने को मिलेगा, व्हाइट रेत होता है ना यहाँ पे, व्हाइट सफेद कलर का रेत ये वाले कोस्टल में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा।
द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन द सम एरियाज बाय कोरल रीफ एंड एटोल आइलैंड। यहाँ पे आपको कोरल रीफ और एटोल आइलैंड देखने को मिलेगा। अभी सवाल उठता है कि कोरल रीफ क्या होता है, एक बड़ा टॉपिक है कोरल रीफ, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कोरल रीफ क्या होता है, अगर आप देखोगे तो समुन्दर के अंदर जो होता है यानी ओशन के अंदर एक बहुत बड़े एनिमल्स का लाइफ होता है, उसको हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। आप इसको गूगल करके, सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और एटोल आइलैंड क्या होता है, एटोल आइलैंड मतलब जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं उसको हम लोग एटोल बोलते हैं। तो यहाँ पे एटोल आइलैंड आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका कोस्टल लाइन, जो ब्राजील का कोस्टल लाइन है टू पार्ट में डिवाइड है। कौन सा टू पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। ए वाला जो है नॉर्दर्न कोस्ट है और ए वाला ईस्टर्न कोस्ट है। क्लियर हुआ? तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे, बाकी जो रहेगा हम अगले वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, आपके फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। मैं आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हर एक लाइन को आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएं। और मैं गारंटी देता हूं जब आप ज्योग्राफी का एग्जाम देके वापस आएंगे घर पे, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके कहेंगे कि सर आपने मुझे पढ़ाया था और मेरा एग्जाम काफी अच्छा गया है। तो वीडियो देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि पूरा महाराष्ट्र मेरा वीडियो देखे, तो इसके लिए आप हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, उनको बोलो वीडियो देखें, और वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।